तो आज का दिन तो भाई बहुत चैलेंजिंग होने वाला है कि मम्मी के बिना एक दिन हम कैसे काटेंगे, क्योंकि भाई खाना भी, बर्तन भी मारने हैं, फलाने ढंगाना चीजें, घर भी साफ करना, तो वो सब चीजें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के, सॉरी दिन के ही हो गए, पौने 12। तो ये आपको पता है यार, कल रात मैं बहुत लेट सोए थे क्योंकि मम्मी को जाना था। मम्मी को छोड़ छाड़ के, मम्मी को सी ऑफ करके फिर आके सोए, 4 बजे रात में सोए। फिर जब जाके, अब जाके नींद खुली है 12:15। तो आज का दिन तो भाई बहुत चैलेंजिंग होने वाला है कि मम्मी के बिना एक दिन हम कैसे काटेंगे, क्योंकि वही खाना भी, बर्तन भी मारने हैं, फलाने ढंगाना चीजें, घर भी साफ करना, तो वो सब चीजें। तो ही तो अभी तो पापा यार बाहर गए हैं अपने दोस्तों के साथ में, बाहर बैठे हैं। ठीक है, जो उनके दोस्त की जहाँ मंडी ली, इनकी बैठती है वहां बैठे हैं। और फिलहाल मैं अभी उठा हूँ, अभी तो सोच रहा हूँ फ्रेश अप होके फिर देखूंगी क्या है। अभी तो मैं ब्रेकफास्ट ही बना लूंगा भाई, जो अपना ब्रेकफास्ट बनता है वही बना लूंगा, बाकी तो कुछ क्या। लेकिन मम्मी के बिना, ए डे विदाउट मम्मी कैसे चैलेंजिंग रहेगा, तो देखेंगे आज। वैसे मम्मी यार आज रात में आ जाएंगी, आज रात में 1 या 2 बजे के करीब ही आ जाएंगी, क्योंकि आज सुबह पहुंच गई होंगी, 6-7 बजे तक पहुंच गई होंगी। अभी तक तो बात हुई नहीं मम्मी से हमारी, तो क्या पता पापा की होगी। जब पापा आएंगे तो मैं पूछूंगा कि मतलब बात बात हुई कि नहीं हुई, तो पहुंच गई होंगी। वैसे तो मंदिर, उनको 3-4 मंदिर जाने थे, अगर उनका प्लान अच्छा रहा, सब आनंद वानंद आया उनको मतलब घूमने वूमने में, तो आगे का प्लान बनाएंगी। तो वैसे तो आज रात में ही आएंगी, उन्होंने इतना तो कहा था कि 1-2 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी। तो देखते हैं कि क्या सीन बनता है उनका भी, बाकी हम भी अपना चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये डे विदाउट मम्मी, कि घर पे मम्मी नहीं है तो उस पर कैसे रह सकते हैं, खुद ही बनाना, खुद ही करना है ये वो। तो देखते हैं यार, तो इतने रेस्ट वगैरह कर लेते हैं यार। वाह, क्या नया नया सा हो गया, एकदम सुंदर सा हो गया भाई। शीशा साफ करने पर लो जी, आज ये भी कर दिया, वाह क्या मस्त आ रही है। ये तो हमें बहाने से मिल गया, मम्मी को सोलो ट्रिप पे जाने को मिल गया, और हमें 24 चैलेंज का मौका मिल गया कि भाई मम्मी नहीं है तो 24 चैलेंज कैसे कर सकते, तो ये मौका हमारे पास है, इस मौके को बखूबी निभाएंगे। ओहो वाह, मम्मी देखो सुबह उठ के ना आटा गूंद कर रही है, ताकि हमें ना गूंदना पड़े, क्योंकि हमें आटा नहीं, जैसे मर्जी लेकिन गूंद लेते। मैंने मम्मी को मना भी करा था कि मत करना, पड़े ठीक है अब गूंद रही है, तो मेरे ख्याल से पापा के लिए ही गूंद रही होंगी। तो हम बनाते हैं अपनी लस्सी, लेते हैं अपना वाला गिलास, लस्सी बनाते हैं। अभी थोड़े बहुत बर्तन है तो ये मांज लेते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया, अब पापा भी बाहर गए हैं, अब मेरे को ही मांजने पड़ेंगे, तो मैं ये साफ कर देता हूँ। देख रहे हो ना भाई, साफ करना पड़ रहा है, मम्मी ना होते हुए अब सारे बर्तन साफ करने हैं सब। तो अब देखो यार, मांजे तो है मैंने वैसे बर्तन, बट ठीक है अब साफ कर लेते हैं, वरना फिर पापा बोलेंगे ये अभी तक साफ नहीं हुए, वो नहीं हुए, फलाना नहीं हुए, क्या कर रहे थे घर पे, तो फिर जो गुस्सा दे ना, इससे बढ़िया खुद ही कर लो यार। तो वैसे भी थोड़े बहुत ही हैं, ज्यादा है नहीं, तो वो बेटर है, ज्यादा होते तो भाई हालत खराब हो जाती। ये देखो ये अलग है, ये लिपस्टिक के निशान अलग लगा देंगे, मतलब अलग ही सीन है यार औरतों को, लड़कियों का ना लिपस्टिक इतनी लगानी है कि भाई दिखती है। अब ये कैसे करें, चलो इसको बाद में करेंगे। लो भाई बर्तन भी मच गए सारे, मार दिए मैंने, इसके नीचे कपड़ा बिछा दिया ताकि पानी वानी अगर टपके तो भाई इसके ऊपर ही टपके, सारा गीला ना हो, नहीं तो मच्छर हो जाते हैं। तो भाई ये भी काम अपन ने कर दिया है, और अब मर दुख गए यार इतने से बर्तन में भी ना,
खड़े खड़े कमर दुख जाती है। और अब यार क्या ही करें, मम्मी नहीं है तब काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब यही तो चैलेंज है 24 घंटे का, 24 घंटे मम्मी नहीं है, यही चैलेंज है कि भाई एक दिन तुम्हें सरवाइव करना ही पड़ेगा विदाउट द मम्मी, सारे काम करने पड़ेंगे। तो वही वही कर रहे हैं हम दो। तीन का पराठे बना रहे हो? हाँ ऐसी बना रहा हूँ। एक बन जाएगी है? एक बन जाएगी, एक बता, एक पराठा बन जाएगा मेरे लिए। हाँ? है दाल वाल? दाल वाल पानी लो से। हाँ तो पूछा था इसमें थोड़ा पानी मिला दो। किसमें? इसी में थोड़ा पानी मिलेगा, कैडी हो रही है ना आपकी। अच्छा नहीं, इसके ऊपर ही सेक लो ना। अरे ऐसे सेक लो तो सही, लेकिन ये क्या है फिर कहूंगी नहीं ना इसको, एक ही बार में सेक लूंगा तीन लोग अलग अलग कर। गैस पे? हाँ गैस पे नहीं, डाल के घी लगा के। अच्छा ये तो दिक्कत आएगी ना फिर ये सेकने में, तो ऐसे कर। एक ही चाहिए बस, दो बन जाएगी तीन में। एक ही बहुत है, मैं सेव वेव खा लूँ ना। एप्पल एप्पल गोल नहीं बनते है, नहीं बन जाते हैं। ये तो मैं वैसे बना रहा हूँ ना, ये गोल बन रहा है थोड़ा बहुत तो होता ही है। पराठे की शेप तो जैसे मर्जी बना लो, उसमें क्या ही पता लग रहा। ये तो मैं वैसे बना रहा हूँ ना घर के। अच्छा तो उसे बीच में करके ना वैसे बना रहा। घी पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं? हेलो भाई, पापा तो बना रहे हैं रोटी और हम कर लेते हैं व्लॉग एडिट। तो पापा ही खा रहे खाना और हम भी करते लंच। तो लंच वगैरह कर लिया है और जो मेरे को थोड़ा सा काम करना था वो भी मैंने कर लिया है। और पापा ये भी सो रहे नीचे, और जो खाना खाना खाया था वो सब बर्तन मान बूझ के भाई साहब अब मैं थक गया हूँ। तो मैं भी अभी आया हूँ ऊपर अपने कमरे में और मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि रात में पूरी नींद हुई नहीं थी और पापा भी नहीं सोए थे। तो पापा अभी सो रहे हैं, उनको बड़ी तेज की नींद आई थी खाना वाना खाने के बाद में, तो वो तो सो गए। तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा पौन घंटा या एक घंटा, मैक्सिमम एक घंटा सो जाता हूँ, शाम को जाऊंगा मैं बाइक चला के। तो मैं सो जाता हूँ यार। तो यार मैं तो सो के उठ गया हूँ अभी, अच्छी खासी नींद आ गई, नींद पूरी हो गई, ये अच्छी बात है। लेकिन यार एक वो है, कहते हैं ना कि मैं जिम जाता हूँ, लेकिन आज मैं जिम नहीं जा पाऊंगा क्योंकि भाई जो ट्रेनर है, जो जिम का ट्रेनर है, उसको हो गई है तबीयत खराब। तो वो तो उसने मेरे को मैसेज करा, जब मैं उठा तो मैंने फ़ोन चेक करा तो फ़ोन में उसका मैसेज आ रखा था कि भाई आज जिम बंद रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो सॉरी भी बोला गया, आज जिम बंद रहेगा सॉरी, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो मैंने उसको बोल दिया भाई ठीक है, टेक केयर, रेस्ट करो, कोई बात नहीं, जिम खुले ना खुले हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही ना तो उसकी वजह से भाई खराब ही हालत है लोगों की। तो आज ना जिम जा पाएंगे तो मैंने सोचा चलो वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ वीडियो अपलोड, तो मैं सारे सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी एक आध रील डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके देख लिए। बाकी जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी यार कर दीजिए यार, कर दो यार, कर दो यार। तो पापा ने चावल और दाल भिगो के रख दी है, ये चावल है, इसमें चावल बना रहे हैं, वाह छोटे वाले में चावल बन रहे हैं, इसमें दाल है। तो और कुछ आता नहीं हम लोगों को बनाना, तो दाल चावल ही भाई आज की खाने में यही है, सिर्फ दाल चावल यही मिलेगा आज हमें भैया, उससे अलावा कुछ आता नहीं बनाना हमने, क्या ही कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं यार, मम्मी नहीं है तो चैलेंज यही है हमारा कि भाई बना के खाना। अब डिनर बस यही बचा हमारा डिनर, तो मम्मी आ जाएंगी शाम को, रात में, और शाम को कह रहा हूँ रात में आएंगी भाई, लेट नाइट आएंगी, 2 बजे तक बोला है, और बाकी पता नहीं कि कितने बजे तक आएंगी, लेकिन हमें तो यही बोल के गई है कि 2 बजे तक आ जाऊंगी। तो भाई 2 बजे तक हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा,
सरवाइव तो कर पाए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, जो जो नहीं आता बनाना ठीक है, थोड़ा बहुत आता है बनाना तो बना लेते हैं, नहीं तो भाई हमारे घर, हम तो पहले सोच रहे थे कि बाहर से मंगा लेते हैं, लेकिन पापा फिर वो भी बोलते हैं नहीं बना लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दाल चावल बना लेंगे, वो कर लेंगे। मैं ठीक है तो फिर बना लो भाई, दाल चावल भिगो के रख दिया पापा ने, फिर अब क्या ही कर सकते हैं, यही खाना पड़ेगा अपने को, तो वही खाते हैं, फिर डिनर करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ यार बाइक चलाने, क्योंकि बहुत देर हो गई, अभी 7 बज गए हैं, तो रात में अंधेरा हो जाएगा, फिर वो ही है यार अंधेरे में परेशानी होती है, अभी अंधेरे में इतना नहीं हुआ तो लाइटें वो पड़ती है ना, रोशनी पड़ती है आँखों में, तो साला वो अंधेरा था छाया था, पता नहीं क्या उसमें लाइटों में घुस जाती हैं आँखें, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ बाइक चलाने, आधे पौन घंटे चलाऊंगा बाइक फिर आ जाऊँगा वापस। चलाना तो भाई डेली का रूटीन हो गया, क्योंकि जब तक चलाएंगे नहीं, डेली नहीं चलाएंगे जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज मैं पापा को बोल रहा था कि पापा बोला आज ना बाइक में बाहर रोड पर ले जाता हूँ, तो पापा कहते हैं नहीं अभी नहीं ले जाना, क्योंकि अभी तुम्हारा लाइसेंस वगैरह कुछ बना नहीं है, लाइसेंस अप्लाई कर दिया लेकिन टेस्ट देना बाकी है, वो अभी तक मैंने नहीं दिया है, तो जब वो लाइसेंस आ जाएगा जब हम बाहर लेके जा सकते हैं, जब थोड़ा प्रैक्टिस यहीं पे गलियों में करते हैं, गलियों में ऐसे नहीं कि मैं थोड़ा ऐसी गली गलियों में चला रहा, पूरा मोहल्ला मैं घुमा रहा हूँ, पूरे मोहल्ले में घुमा रहा हूँ बाइक, तो भाई वही है अब चलानी, जो कहते हैं ना कि गलियों में चलाना सीख गए तो तुम बाहर भी चला लेते, तो वही है, वही टेक्निक मैं अपना रहा हूँ, वही रास्ता मैं अपना रहा हूँ कि गलियों में चलाना सीखते हैं, रोड पे तो चला ही लेंगे यार, यहाँ पर गलियों में आ गई, क्योंकि गलियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, बार बार रोकनी पड़ती है, ठीक है चलानी पड़ती है, फलाना ढिमकाना, कोई गलियों में तो कोई कहीं से भी घुस जाता है, तो वो चक्कर है, तो इसलिए गलियों में पहले चलाना सीखो, बाकी रोड पे बाद में जाओ। तो अभी चलते हैं यार बाइक चलाने, बहुत बातें कर ली बहुत, तो चलो बाइक चलाने। तो रात का डिनर बन चुका है, जो कि पापा ने बनाया है दाल और चावल, ये देखो दाल ये जैसे लग रही है ना अभी पापा है, कितना पानी पानी से लग रहा है इसमें, बहुत पानी पानी सा, कितनी कम दाल और पानी पानी ज़्यादा, हमने पानी भी थोड़ा बहुत निकाल के ना, जब पीछे घंटी पड़ी है ना तो उसमें हमने पानी से थोड़ा जो पानी ज़्यादा था उसमें डाल दिया था पानी। तो चलो अब करते हैं डिनर। तो यहाँ पे नंबर लग नहीं रहा, मम्मी का तो बाहर जाके मिलाना पड़ गया यार। कहाँ पहुँचे? अच्छा फरीदाबाद पहुंच गए, तो आ जाओगे फरीदाबाद से, तो थोड़ा ही टाइम लगता, थोड़ा ही टाइम लगता, फरीदाबाद तो कितना ही दूर है, थोड़ी ही दूर है, जाम नहीं मिला तो फटफट आ जाओगे। तो हो गए दर्शन वर्शन सही? का तीन तीन जगह घूमे, वही तीन जगह गए थे बस? अच्छा तीन जगह गए थे बस ये? तीन जगह इधर और अच्छा ठीक है आ जाओ फिर, ठीक है आज है आ खा लिया, वाह भी आया अखिल भी, अखिल अच्छा ठीक है ले चलो ठीक है ओ। तो भाई मम्मी आ गई है, हमने रात में चैलेंज, हमने चैलेंज दिया था कि 24 घंटे विदाउट मम्मी सर्वाइव कैसे करेंगे, क्या बनाएंगे कैसे करेंगे, बर्तन कैसे बनाएंगे। मम्मी आ गई, मम्मी रात के 11:30-12 बजे के करीब आई, हाँ पौने 12 बजे आएंगे रात में, लेकिन पहले बोल दी कि 2 बजे आएंगी, लेकिन 11:45 जल्दी आ गई, ज्यादा टाइम लगा नहीं, तो इन्होंने घूम घूम लिया, बैठ गए अब आके, और बस रात में जाकर सोएंगे। बाकी यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, मम्मी बोल दो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कर दो क्या बोलो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। बाकी बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, चलो।